गुरमुखी वर्ल्ड फाउंडेशन का मकसद लोगों को जोड़ना है। ये कहना कि इसकी भलाई किस तरह होगी, भलाई सब तो बड़ी यही है कि सारे पंजाबी आर्टिस्ट होन या राइटर्स होन या पोएट्स होन या सिंगर्स होन, इन सारे जुबान तो एक ही ना साड़ी, उन्होंने सारे एक जगह पर ला के जोड़ना और उन्होंने सारियां एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे लाना, मेरा ख्याल है सब तो मुश्किल काम है। क्योंकि इस पूरे तीन दिन के फेस्टिवल त्यौहार 250 बंदे तो घट नहीं आ रहा, ज़्यादा ही आ रहा होना शायद। गुरबाणी संगीत भी है जी, पैनल डिस्कशन में फिल्मों की गल भी है जी, कल अज तो कल सिनेमा का की हशर सी, अज की है तो अगे आने वाले जी भविख की है। पंजाबी कवि दरबार है, जिस तरह मैं दस्या सी चार पंजाबी कवि दरबार भी ने, एक हास्य दरबार है, एक सुरजीत पात्र जी प्रिसाइड कर रहे हैं, बट बहुत नाम चिन्ह उन्हों का भी है, एक यंग बच्चा यंग लोगों का यंग पोएट्स का, तो एक यंग फीमेल पोएट्स का भी है। शिव बटालवी जी के भी है एक सैशन साढ़ा, उन्होंने राइटिंग के बारे, अमृता पीतल जी के भी साढ़ा एक सैशन है, बाबा फरीद ते बुले शाह जी के भी कलाम एक सिंगर गा रहे हैं, फोक म्यूजिक भी है, असी गुरबाणी की भी गल असी गुरमुखी की भी गल कर रहे हैं, उदी स्त्रोत ते उदा विकास की भी गल असी कर रहे एक सैशन जिद लिंगुइस्ट आ रहे हैं, जेडे टॉप एक्सपर्ट लिंगुइस्ट हैं पूरे पंजाब विच, वो आ रहे हैं, बलदेव सिंह जी भी आ रहे हैं, उन्हों का एक सैशन असी कर रहे हैं, उदा नाम है सिकंदर कलम का एक सफरनामा, बलदेव सिंह सिकंदर है जी सड़कनामा उनका नाम असी रखे सफरनामा, क्योंकि असी उन्हों की जिंदगी की गल करा, किताब की नहीं, उन्होंने जिंदगी का सफर, उन्होंने राइटिंग का सफर, किताब तो सारे ने पढ़ ली, उन्होंने जिंदगी थोड़ा जानने की कोशिश करा। हाँ जी हाँ जी, तो असी ना रखे सफरनामा जिंदगी उन्होंने। गज़ल भी है जी, पंजाबी गायकी बिच गज़ल बहुत मेरा ख्याल है घट है, तो असी कोशिश की है कि गज़ल की शाम भी वो रखिए, एक अज के जी फीमेल राइटर्स हैं उन्होंने ना असी रखे सैशन का साढ़ा हक इतने रख, साडा एक ओपन माइक भी है जिथे कोई भी आके अपना अपनी साड़ी जिहड़ी वैबसाइट है jashnepunjabi.com उत्थे जाके पार्टीसिपेट दे दा छोटा जिहा फॉर्म है 3 कॉलम का, उस तुसी भर सकते हो, उत्थे पार्टीसिपेट कर सकते हो, ओपन माइक है उत्थे खुला पे, उत्थे तुसी आके जिहड़ा तुसी अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ उहदे अंदर नहीं होनी चाहिए, ऑफकोर्स दैट इज़ वैरी इंपॉर्टेंट, तुहानू मन च मिलिया ये नहीं तुसी कुछ भी कहना शुरू करता, बट तुसी गाना भी सुना सकते हो, तुसी अपनी कविता पढ़ सकते हो, तुसी होर कुछ कहना चाहते हो कह सकते हो, दैट इज जो एक कल दे कलाकार ने, एक कल दे आने वाले एक्सपर्ट्स ने, एक कल दी जनरेशन है, कल दी पनीरी है जिन्हें आके अगे सामना। नहीं भाजी ये सब तो वड्डी गल आ, और मैं अक्सर ये गल करता हूं जिहड़ी गल नूं असीं साडे समाज चों कढ़ना चाहुंदे हो, जिहनूं असीं इगनोर करना चाहुंदे हो, उहदी गल करनी बंद करो, और जे बार बार उहदी असीं गल करदे हां तां प्रमोट करदे हां, और ये चंगी गल आ कि उहदी गल ही नहीं हो रही। और एक मैनूं लगदा हुंदा कि अगर पंजाबी बोली नूं असीं प्रमोट करना, उन्हों सही तरीके अगे लैके जाना, तो ये सारे जड़े जिदा साढ़े साहित्यकार ने, साडे राइटर ने, है ना, साडे लेखक ने, साडे गज़ल गायक ने, साडे सूफी गायक ने, और साडे अज के सिंगर ने, सारा एक स्टेज पर इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, और एक कट्ठे रल के ही इनू प्रमोट किया जा सकता अगे, क्योंकि जिथे हर रंग होएगा फिर ही साडी भाषा सही तरीके प्रमोट हो सकती है। और मैनू लगता वो काम जिहड़ा गुरमुखी वर्ल्ड फाउंडेशन हैगी है ये बखूबी कर रही है कि इन्होंने सारे रंग इस मेले दे विच रखे है, है ना, जिथे सिंगर ने परफॉर्म भी करना, जिथे अच्छिया डिस्कशनस भी होनिया ने, चाहे पंजाबी फिल्मों के उत्ते आ, चाहे पंजाबी प्लेज के उत्ते आ, और प्ले भी खेडे जाने हैं, है ना, और नवे शायर ने भी उत्थे बोलना, और जिहड़े साडा नवा टैलेंट हैगा उन्हूं मौका दिता जा रहा, तुसीं अपनी गल भी उत्थे आके कर सकते हो, सो हर रंग उत्थे हैगा। और एक मैनूं लगदा कि कई वारी जदों इदां दीआं गल्लां हुंदीआं हन तां सारिआं नूं लगण लग जांदा कि शायद बड़ा बोरिंग जिहा प्रोग्राम होगा जां उत्थे डिस्कशनज ही कल्लीआं होणगीआं, सो ये बहुत जरूरी मैं कह देना चाहुंदा कि बड़ा इंट्रस्टिंग प्रोग्राम आ, तुसीं उत्थे इंजॉय करोगे आके, और हर तरीके का रंग हैगा, अपने बच्चों नूं लैके आओ, और इदां दे प्रोग्रामां दे नाल जुड़ना चाहिए सानूं जे असीं वाकई चाहुंदे आ कि पंजाबी बोली प्रमोट होवे, पंजाबी सभ्याचार। और एक बड़ी जरूरी गल होर है जिहड़ी मैं कहदा, उत्थे बुक स्टॉल्स भी ने, हैंडीक्राफ्ट स्टॉल भी ने, तां फूड कोर्ट भी है, तो एक वो भी है कि भाई लोग थोड़ा अपना जो चीज़ है वो इंजॉय कर सकते हैं, और एंट्री फ्री है,